सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे मैक्रम के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइंस के वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को मैक्रम के तोरण का एक बहुत ही सुंदर और फ्लावर पैटर्न का डिजाइन बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत इजी है, बहुत कम मैक्रम में बनता है और बहुत सुंदर है देखने में। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे सारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, इस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कलर का मैक्रम लिया है, येलो और ग्रीन, और यहाँ पे दो किचन का रिंग लिया है, लाइटर है, सीजर है और कुछ पिंक कलर का बीट्स है और कुछ ग्रीन कलर का बेल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्टली हम एक किचन का रिंग लेंगे और इसमें हम हल्का सा किचन को रिंग को अलग करके और इसमें एक कॉर्ड अटैच कर लेते हैं। और ये कॉर्ड मेरा येलो कलर का जो कॉर्ड है, ये डोर के मेजर का है। आपके डोर का जो साइज हो आप उस हिसाब से कॉर्ड ले। और ये एक कॉर्ड येलो कलर का कॉर्ड लिया है मैंने और इसमें अब हम कुछ एक्स्ट्रा कॉर्ड को अटैच करेंगे। यहाँ पे हम कॉर्ड अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कॉर्ड को इस तरह से अटैच किया है, ये मैंने पहले ही कर लिया है क्योंकि ये डिजाइन थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने थोड़ा से पहले बना लिया है। और मैं आपको एक पार्ट दिखा रही हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 येलो कॉर्ड यहाँ पे लिया है और 6 ग्रीन 6 येलो 6 ग्रीन 6 येलो, फिर 6 ग्रीन 6 येलो 6 ग्रीन 6 येलो 6 ग्रीन 6 येलो 6 ग्रीन, इसी तरह से मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया है इस तरह से। और सारे कॉर्ड को कितने में कट करना है ये देखिए, ये जो येलो कॉर्ड है इसको मैंने 1.5 से 2 मीटर में कट किया है। और एक और बात बता दूं, डिजाइन का जो पैटर्न रहेगा वो एक सिंपल सा रहेगा और एक ऐसा, फिर यहाँ के बाद ये ऐसा डिजाइन बनेगा और ये वाला यहाँ बनेगा, मतलब एक ये फिर एक ये, इस तरह से मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो डिजाइन जो यहाँ रहेगा उसमें थोड़ा कम कॉर्ड लगेगा 1 मीटर के इतना, और जो यहाँ पे जो वाला डिजाइन रहेगा उसमें 1.5 से 2 मीटर के लगभग का कॉर्ड लगेगा। तो आप 1.25 मीटर का 1.25 मीटर का आप कॉर्ड येलो कलर का कॉर्ड कट करके लगाएं, और जो कॉर्ड एक्स्ट्रा लगेगा आप थोड़ा थोड़ा कॉर्ड कट करके और उसमें अटैच करते जाइएगा। तो उससे ये होगा कि आपका वेस्टेज कॉर्ड कम निकलेगा, बस थोड़ा सा जोड़ना रहेगा, तो वो आप इतना कर लीजिएगा तो इससे वेस्टेज नहीं निकलेगा। तो यहाँ मैंने 1.5 मीटर का ये येलो कॉर्ड लिया है और ग्रीन कॉर्ड जो है वो भी यहाँ पे 1.25 मीटर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ साइड में हम 3 ग्रीन कलर का कॉर्ड अटैच करेंगे। जैसे यहाँ मैंने 6 किया है तो हम लास्ट में यहाँ पे 3 ग्रीन कॉर्ड अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल 54 येलो कॉर्ड और 54 ग्रीन कलर के कॉर्ड को कट करके अटैच किया है। 54 दोनों कलर का कॉर्ड 54 पीस चाहिए, 60 पीस येलो कॉर्ड और 60 पीस ग्रीन कॉर्ड। अब हम 4 कॉर्ड ले लेकर के और नॉट लगा लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स, ये वाला जो डिजाइन है ये 1 2 3 नॉट 2 नॉट और फिर 1 नॉट, पूरे में हम ऐसे ही लगाएंगे 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 का नॉट लगाएंगे। दो दो कॉर्ड दोनों तरफ छोड़ देंगे येलो कॉर्ड। अब फिर बीच में हम एक नॉट लगा लेंगे।
तो इस तरह से हम यहाँ पे 3, 2, 1 का नॉट लगा लेंगे पूरे में। और लास्ट में देखिएगा 4 कॉर्ड लेके यहाँ नॉट लगाएंगे, और अब यहाँ का 2 कॉर्ड लेंगे और ये साइड का 2 कॉर्ड, और यहाँ से एक नॉट लगाएंगे। और अब इसी नॉट के नीचे एक नॉट लगा लेंगे इस हाइट पे। तो ये भी हल्का सा क्रॉस तिरछा हो गया है, और इसे ये भी तिरछा, ये भी तिरछा हो गया। अब पूरे में हम 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 ग्रीन और येलो पूरे में हम 3, 2, 1 का नॉट लगा करके तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरे में जब ये डिजाइन बन जाएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस सारे कॉर्ड को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। 2, 4, 6 कॉर्ड इधर, 6 कॉर्ड इधर है, और 6 कॉर्ड को भी हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 3 कॉर्ड ऊपर कर देते हैं, और 3 कॉर्ड को लेकर हमको यहाँ पे 6 कॉर्ड जो है ग्रीन कॉर्ड, 6 ग्रीन कॉर्ड के ऊपर ये 3 येलो कॉर्ड को पाइपिंग करना है। अभी फिलहाल बस 3 करना है। यहाँ पे आप देखिए ये जो डिजाइन बना है 3 येलो कॉर्ड से पाइपिंग हुआ है, फिर एक बार ग्रीन कॉर्ड से, और फिर 3 येलो कॉर्ड से। फिर दूसरा ये ग्रीन कॉर्ड लेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रीन कॉर्ड को पाइपिंग करके मैंने यहाँ इस तरफ ले आया है। अब हम यहाँ ऊपर का एक ग्रीन कॉर्ड लेंगे, और इसके ऊपर सारे ग्रीन कॉर्ड को हम पाइपिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2, 4, 6 ग्रीन कॉर्ड इधर हो गया है। अब इसी 6 ग्रीन कॉर्ड के ऊपर हम 3 येलो कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे फिर से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 2 डिजाइन बन गया है इस 6 येलो कॉर्ड से। अब हम बाकी 6 येलो कॉर्ड से इधर का डिजाइन बनाएंगे, तो फिर वैसे ही करेंगे 3 येलो कॉर्ड लेंगे, और इस पे हम सारे 6 ग्रीन कॉर्ड को पाइपिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे 6 कॉर्ड पाइपिंग हो गया है ग्रीन कलर का के ऊपर, व्हाइट येलो कलर का पाइपिंग हो गया है। अब इधर 2, 4, 6 कॉर्ड है। अब सेम ग्रीन कॉर्ड लेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे फिर से 6 कॉर्ड इकट्ठा हो गया है। अब फिर इसी 6 कॉर्ड के ऊपर हम 3 येलो कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह दोनों तरफ ये डिजाइन बन गया है,
अब यहाँ पे सेंटर में 12 ग्रीन कॉर्ड इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको भी हम 3-3 कॉर्ड के सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 3-3 कॉर्ड, 3 इधर 3 इधर, अब फिर से 3 इधर और 3 नीचे, तो सेंटर का 6 कॉर्ड, 3 इधर का कॉर्ड और 3 इधर का कॉर्ड लेंगे और लास्ट के 2 कॉर्ड से हम यहाँ पे 4 सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। फोर सिंपल स्क्वायर नॉट लगाने के बाद बीच का जो 4 कॉर्ड है उसके हम पॉइंट को एक जगह ले लेते हैं और यहाँ पे जो ये बीच का गैप है यहाँ पर, यहाँ से हम पीछे की तरफ निकाल लेंगे और इसको हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। इसको धीरे धीरे करके खींचेंगे तो ये जो है ये गोल हो जाएगा और अब हम यहाँ का ऊपर का 2 कॉर्ड लेकर के इसमें नॉट लगा लेंगे। और 1 by 1 करके सारे कॉर्ड को खींच लेंगे तो ये जो डिजाइन है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इस तरह से ये एक फ्लावर बन गया है। अब फिर हम बीच के फ्लावर से 3 कॉर्ड लेंगे, 1 2 3 और 1 2 3। बीच के फ्लावर का 3 कॉर्ड और इधर का 3 कॉर्ड लेंगे और फिर से हम दोनों साइड साइड का 2-2 कॉर्ड लेंगे और 4 टाइम सिंपल स्क्वायर नॉट। फिर से बीच का 3 कॉर्ड लेंगे और साइड का 3 कॉर्ड और इससे हम 4 टाइम सिंपल स्क्वायर नॉट। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे ये 1 और ये 2 फ्लावर बन गया है। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस फ्लावर का 1 2 3 कॉर्ड और इस फ्लावर में से 3 कॉर्ड लेंगे और फिर से साइड साइड का जो 2 कॉर्ड है उससे हम 4 सिंपल स्क्वायर नॉट लगा करके सेम ऐसा ही एक और फ्लावर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 1, 2 और 1 का ये फ्लावर बन गया है। अब ये यहाँ तक का डिजाइन, ये एक डिजाइन हम पूरे तोरण में पहले बना करके तैयार कर लेंगे। पहले हमको जैसे ये एक फूल बनाया मैंने, अब सेम ऐसे ही यहाँ 6 ग्रीन कॉर्ड है, अब इसको लेकर के और 1 2 3 येलो कॉर्ड पे फिर पहले पाइपिंग होगा जैसे यहाँ पे हुआ था और फिर उसके बाद ग्रीन कॉर्ड लेके ऐसे होगा, फिर ये वाला चीज सेम यहाँ पे होगा। और इसी तरह जैसे मैंने ये एक कॉल्यूम बनाया है, इस तरह से पूरे तोरण में हम ये कॉल्यूम पहले बना करके इस डिजाइन को पहले यहाँ देखिए, पहले हम ये कॉल्यूम बना करके इतना दूर तैयार कर लेते हैं पूरे तोरण में। ये एक कॉल्यूम पूरे तोरण में बना करके तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये डिजाइन पूरे तोरण में बना के कम्प्लीट कर लिया है, ये इस तरह का। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। ये फर्स्ट है, लास्ट से फर्स्ट, इसमें हम ये डिजाइन देंगे, ये वाला डिजाइन हम यहाँ देंगे और इसको हम ऐसे ही खाली छोड़ेंगे। और खाली छोड़ने के लिए और यहाँ पे जो 3 कॉर्ड ऊपर के डिजाइन का 3 कॉर्ड और इधर का 3 कॉर्ड को हम इसको ऊपर इसलिए कर दिए हैं और इस तरफ का बी कॉर्ड इसको मैंने इसको ऊपर इसलिए कर दिया क्योंकि इसको हम कट करके और स्टिक करेंगे। और ये जो सेकेंड नंबर जो है इवन नंबर का जितना भी डिजाइन रहेगा वो सब ऐसा ही रहेगा और ऑड नंबर का जितना डिजाइन रहेगा वो सब
इसमें हम ये फ्लावर वाला डिजाइन बनाएंगे। तो ये इवन नंबर वाला देख लीजिए, तो सेकेंड नंबर का जो डिजाइन है उसमें हमको क्या करना है, पहले ऊपर का एक कॉर्ड लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 कॉर्ड के सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर का एक कॉर्ड लेकर के, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार हम पाइपिंग कर लेंगे। अब फिर ये दो कॉर्ड लेंगे, ऊपर का एक कॉर्ड और यहाँ साइड का एक कॉर्ड, दो कॉर्ड लेकर के फिर नेक्स्ट कॉर्ड से हम पाइपिंग कर लेंगे। फिर 1 2 3 कॉर्ड हो गया, 3 कॉर्ड लेकर के नेक्स्ट कॉर्ड लेंगे और उससे हम पाइपिंग कर लेंगे। अब यहाँ 1 2 3 4 कॉर्ड हो गया है, 4 कॉर्ड लेंगे और नेक्स्ट 5th कॉर्ड से हम इसको पाइपिंग करेंगे। अब 5th कॉर्ड लेंगे और लास्ट 6th कॉर्ड से सारे कॉर्ड को हम पाइपिंग करेंगे, इससे हमारा कॉर्ड जो है वो नीचे एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे सारे कॉर्ड को 1 by 1 करके खींच लेंगे। यहाँ देखिए ये हो गया है। अब सेम इस तरफ भी सेम करेंगे, ऊपर का एक अब ये जो 6th नंबर का कॉर्ड है साइड का, इसको लेकर के और यहाँ पे हम और इसको हम ऐसा ही रहने देंगे, इसको कटिंग हम बाद में करेंगे और बेल्स बाद में लगाने का बताऊंगी मैं। अब उसके बाद देखिए ये जो डिजाइन बना है, तो इसके ऊपर का 6 कॉर्ड, 3 कॉर्ड इधर का, 3 कॉर्ड इधर का, येलो कॉर्ड ये कट हो जाएगा। सारा कॉर्ड कट करके स्टिक होगा। अब नीचे में बच जाएगा साइड साइड 3 कॉर्ड और बीच में सेंटर में 12 कॉर्ड। अब इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, 4 6 2 4 6 और सेंटर का जो 2 कॉर्ड है इसको हम बांध के ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 ग्रीन कॉर्ड और 3 येलो कॉर्ड। अब नीचे का एक ग्रीन कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे ग्रीन और येलो। अब ऊपर के ग्रीन कॉर्ड में येलो कॉर्ड को एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, इस तरह से 5 टाइम्स हम इस तरह से करके इस कॉर्ड को ऊपर की तरफ निकाल देंगे। और फर्स्ट येलो कॉर्ड जो है उसमें हम एक बीड्स लगा लेते हैं और इसके बाद हम बाकी सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। अब इसी कॉर्ड को, इसी ग्रीन कॉर्ड को घुमाते हुए सारे कॉर्ड को हम यहाँ पाइपिंग कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 डिजाइन बनाया है और ये बीच का 2 कॉर्ड ऐसे ही हम जो मोड़ के रखे थे वो रहेगा। अब इस तरफ भी हम सेम ऐसे ही 3 डिजाइन इधर भी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 3 डिजाइन इधर बना लिया है। अब बीच का कॉर्ड जिसको हमने गांठ बनाया था उसको हम खोल लेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे 2 बीड्स लगाएंगे। इस तरह से 2 कॉर्ड बचा है। तो अब सारे कॉर्ड को हम इस तरफ वाले कॉर्ड को हम सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेते हैं। सेम बीच इधर का कॉर्ड लेकर के सारे कॉर्ड को ऐसे ही पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस तरफ का भी कॉर्ड पाइपिंग कर लिया है। अब सेंटर का 4 कॉर्ड लेंगे और इसमें हम 2 मोती लगा लेते हैं। इसके ऊपर 3 येलो कॉर्ड से हम इस तरह से अब इसमें से हम 6 कॉर्ड निकाल लेते हैं। 5 कॉर्ड इधर और सारे कॉर्ड को हम पाइपिंग कर लेंगे। सारे कॉर्ड को हम ऐसे ही पाइपिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब दोनों तरफ का पाइपिंग हो जाएगा तो अब लास्ट का 2 कॉर्ड है उसको हम इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। ये 1 ब्लॉक बन गया है। अब हम सारे कॉर्ड को कट कर लेते हैं। और यहाँ वाले को देखिए फ्रेंड्स, हम इसको 2 स्टेप में काटेंगे। आगे का जितना कॉर्ड है 2, 4, 6 कॉर्ड लेकर के और छोटा सा, और फिर यहाँ पे 6 कॉर्ड है इसको हम थोड़े बड़े में काटेंगे। ऐसे मैंने यहाँ ऊपर के नीचे सेकेंड वाले कॉर्ड में 2 कॉर्ड लेकर के यहाँ 1 बेल्स लगाया है ऊपर सिंगल कॉर्ड में। इसी तरह से हम ये बना लेंगे और इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। अब सेम हम पूरे कॉल्यूम पूरे तोरण में हम ये और ये डिजाइन बना करके तैयार करते जाएंगे। जैसे मैंने ये डिजाइन बनाया है सेम ऐसे ही अब यहाँ पे ये डिजाइन बना है और ये 1 ये 1 ये 1 ये और फिर इसी तरह से ये कंटिन्यू होते जाएगा। बस यही 2 डिजाइन पूरे तोरण में बनेगा। सारे कॉर्ड को हम स्टिक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस बहुत ही सुंदर तोरण को और बहुत सिंपल तोरण को बना करके तैयार किया है, जो कि बहुत ही इजी है और कम मैक्रम में बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे सारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।